हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टेस्टी पिस्टी पेपर में। दोस्तों, क्या कहते हैं, बहुत से दोस्त हैं, बहुत से मित्र हैं जो शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद ये भर्ती आई है, 69,000 इसमें पद हैं। तो अब आप इसमें जो पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, और ये भी बात कन्फर्म है कि कुछ लोग की तैयारी हो पाएगी, हो पाई होगी, कुछ लोग की तैयारी नहीं हो पाई होगी है। तो अब सबसे बड़ा जो जो लोग फेस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो समस्या क्या फेस कर रहे हैं कि 14 सब्जेक्ट उसमें हैं। जो शिक्षा भर्ती की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो उसमें 14 सब्जेक्ट है। तो बहुत से लड़के कंफ्यूज हैं कि किस तरह पढ़ें। तो बहुत से लोग थ्योरी कह रहे हैं, थ्योरी पढ़ना चाहिए, बहुत से लोग कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए। तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो क्या है, बस ऐसे ही मतलब डिस्कशन है आपसे। तो जहाँ तक मुझको लगता है कि आप लोग क्या क्या करिए कि प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करिए, और आप लोग 14 सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ने का प्रयास ना करिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त नहीं है। तो आप लोग क्या करिए कि कुछ बहुत मतलब अच्छे चैनल्स वाले हैं, एक दो का नाम हम आपको बता देते हैं। एक है एग्ज़ाम मास्टर करके, ठीक है, ये कोई मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पैसा वैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक एग्ज़ाम मास्टर करके चैनल है, वहाँ पर क्या कहते हैं, उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट लगाए गए हैं। और चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद है, वहाँ उन्होंने भी कुछ प्रैक्टिस सेट लगाया है, और भी कुछ मतलब चैनल वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग को बहुत विषय विशेषज्ञ यहाँ नहीं बनना है, आप लोग को बस पेपर निकाल लेना है। आप लोगों ने TET की परीक्षा पास कर ली है, और ये साबित कर दिया है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान हैं, और मतलब कि एक शिक्षक के सारी योग्यता आपके अंदर है। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि थ्योरी से पढ़ना बिल्कुल भी सही रणनीति नहीं होगी, ठीक है। थ्योरी में अगर आप घुसेंगे तो एक ही सब्जेक्ट पर आप रह जाएंगे और सब कुछ बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी में बहुत अधिक घुसना बिल्कुल भी सही रणनीति नहीं है। तो सही रणनीति क्या है कि हर 14 सब्जेक्ट के जो चर्चित सवाल हैं, डिस्कस्ड, मोस्ट डिस्कस्ड, और जो हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं जो दूसरी परीक्षाओं में पूछे आते हैं या जो भी है, तो वो आप लोग पढ़िए। और जब आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि आपका कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं होगा, कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करिए, जहाँ तक मुझको लगता है कि ये जो रणनीति सबसे अच्छी रहेगी कि आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट नहीं है तो यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, बाजार से भी आप प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं। पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो पब्लिशर्स हैं उनके पास भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, ये एकदम 100% कन्फर्म बात है। क्योंकि जो 27 मई को पेपर हुआ था फ्रेंड्स, वो थ्योरी में हुआ था, तो जो किताबें उपलब्ध थी वो थ्योरी बेस पर उपलब्ध थी। तो जो इनके पब्लिशर्स होते हैं, राइटर होते हैं, वो भी उतने ज़्यादा वो बनाते बनाते टाइम लग जाता है, आप लोग भी ये बात फील करते होंगे, ठीक है। कोई मशीन नहीं है कि एक मिनट में वो लोग छाप देंगे और बिल्कुल सही से छाप देंगे। तो बाजार में जो किताबें हैं, ठीक है, उनको आप ले आइए, प्रैक्टिस सेट की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, थ्योरी की बात नहीं हो रही है। तो बाजार से आप लोग प्रैक्टिस सेट ले आइए, उससे पढ़िए, और जो चैनल वाले आपको ईमानदार लगते हैं, सही लगते हैं, विश्वसनीय लगते हैं, जो आपको सही जानकारी देते हैं, उनके प्रैक्टिस सेट्स आप लोग सॉल्व करिए। बहुत अधिक ये संभावना है कि आप लोग पेपर निकाल लेंगे, ठीक है। 50% तो आप लोग रास्ता पार कर ही चुके हैं, TET आप लोग पास कर चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। तो आप सभी क्या करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, 14 जो सब्जेक्ट हैं उनके मोस्ट डिस्कस्ड हाईलाइटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोग सॉल्व करिए, और बहुत अधिक चांसेस है कि आप लोग पेपर निकाल लेंगे। और एक बार पेपर निकाल लिया तो फिर पूरी तरह लाइफ आपकी सेट है। और फ्रेंड्स, और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है इसमें हमको, और मेरी जो ये एडवाइस है, सलाह है, परामर्श है, ये आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो फिर आगे भी डिस्कशन होता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।